हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम कर रहे हैं आपका दिल्ली पुलिस का। कॉन्स्टेबल का एग्जाम है 14/11/2023 को, आता 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो इसकी आपकी थर्ड शिफ्ट है और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बोला कि ऑल शर्ट्स आर कॉटन, सभी शर्ट्स क्या हैं, कॉटन है। ठीक है, सम शर्ट्स आर नेट, कुछ शर्ट्स क्या है, नेट है। तो नेट को थोड़ा लंबा बना देते हैं। ठीक है, बोला कि ऑल नेट्स आर शर्ट्स, क्या सभी नेट शर्ट्स हैं। नहीं, इस सम का रिलेशन दिया गया है, सम नेट्स आर कॉटन। हाँ भाई, ये नेट का लाइन है और ये कॉटन की लाइन है, तो इस वजह से ये राइट हो जाएगा, ओनली सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अपोजिट फेस बताना थ्री का, थ्री का कहाँ है, थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और थ्री के साथ 5 4 है, इधर 6 4 है, 1 2। तो भाई अब आपने इस सिचुएशन में क्या काम करना है। एक तो थ्री के साथ वाले देख लो, थ्री के साथ कौन कौन है, 1 है 2 है, इधर से 1 2 है, इधर से 5 4 है, 5 4। ठीक है, तो थ्री के साथ कौन नहीं है वो इसका उल्टा हो जाएगा, 6 नहीं है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सभी लेटर्स, चलो देखते हैं भाई अपना, सभी शायद सारे सॉल्व करने पड़ेंगे इसके। तो JHFD, J दर्शाता है 8 6 4, फर्स्ट लेटर का लिया तो -2 क्या, तो -2 क्या सभी में, तो -2 करोगे 2 B आ जाएगा, फर्स्ट लेटर पे B आ जाएगा। सेकंड लेटर जी, जे एफ पी, जी 7 पर होता है, जे 10 पर, एम आपका 13, पी 16। आप देखोगे +3 कर रहा है, तो इधर भी +3 करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 पर कौन सा लेटर आता है, एस आता है, तो इसको भी कट करिए। 9 7 5 3, -2 के आ सभी में, इधर भी -2 करिए, 1 आया, 1 पर कौन सा लेटर आता है, ए आता है, तो लास्ट में ए आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। डायग्राम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सीधी से सिंपल है, सीधी लाइन आ जाएगी, यहाँ से सीधी एक ट्रायंगल बना और यहाँ से ये बन गया, और इधर से आप देखो ये एक सर्कल बना और यहाँ से ये बना, और साथ में एक लाइन इधर आएगी और एक लाइन इस लाइन पे भी क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन आपको दिखाई देगी। तो ये फिगर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है, ये गलत हो गया। ठीक है, सेकंड आपका राइट दे रहा है, थर्ड में थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सर्कल नहीं है। ओके, फोर्थ आपका क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही जो अपना ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है 1 2 5 26 6 7 7। तो मैं देख रहा हूं, तो यहां से 26 से यहां तक क्या किया है, 26 का सुकेर के पास लेके गया है, सुकेर लेके गया, तो सुकेर देखो 26 का सुकेर होता है 676। ठीक है, 676 में +1 किया, तो आप देख सकते हो 1 का सुकेर +1, 2 का सुकेर +1, 5 का सुकेर +1। ठीक है, इसी तरह यहाँ के जो जाएगा 677 का सुकेर +1 होगा, वो 677 का सुकेर आप देख लीजिए कितना होगा, तो आई थिंक 3 4 6 का सुकेर 36, स्टार्टिंग में 36 आना चाहिए, 36 से बड़ा हो सकता है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, और लास्ट में आएगा 9। देखो 7 का, देखो यूनिट डिजिट से सोल्व करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7 का सुकेर, यूनिट डिजिट का सुकेर निकाला 9, 9 में 1 ऐड कर दो, 0 आएगा लास्ट में, तो ये भी गलत थी, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से पूरी कैलकुलेशन करना ताकि आपके कैलकुलेशन अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 6 का अपोजिट आपको बताना है, तो 6 इन दोनों में है और 6 यहाँ पर भी है, तो 3 2 किधर है, 3 2 या 2 4, 2 4 इधर है और 2 4 इधर है, तो ये दो बॉक्स इनका कोई यूज नहीं अपने पास, तो 6 का अपोजिट कौन होगा, अपोजिट मतलब जो सरफेस बचे हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एरो का साइन है टर्न किया, मतलब पहले ऐसा था, अब ये टर्न किया तो 45 डिग्री, ओके, इसके राइट एंगल में एक और टर्न करवा दिया, अब ये पहले ऐसा था, अब ये 45 डिग्री, ठीक है, ये क्या, एक मिनट भाई, ओके, ये इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, देखते हैं भाई फर्स्ट में है सेकंड में क्या है, एक ही एरो तो गलत हो गया, अच्छा एरो का खेल है, इसमें भी एक ही एरो गलत हो गया, वो भी टर्न करो के साथ, इसमें एक ही एरो गलत हो गया करो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज आपसे पूछा कैसे स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से आपका के बनेगा सभी में है, सेकंड में बी आने वाला है तो बी आएगा तो एक ही में बी है, बाकी डी डी से स्टार्ट हो रहा है, गलत कर दो, आपका आंसर आ गया चंद सेकंड में, ठीक है, बाकी सारे ट्राई आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पर, समोलेस ट्रायंगल देख लो वन, ठीक है, क्या बात है, तो बड़े से स्टार्ट करता तो वन टू थ्री बड़ा, तो यहाँ पर ये छोटे वाला वन, ये दूसरा ट्रायंगल आप बनाओगे तो यहाँ से दो, और तीसरा ट्रायंगल तो पूरा हो गया, और ट्रायंगल देखो, और ट्रायंगल देखो कहाँ पर बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये भी तो बन रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये थ्री, तो तीन तीन छह ट्रायंगल आपके हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर फोल्ड करके कट किया डिजाइन बनाया, डिजाइन बना के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज और वाटर इमेज आपके बन जाएंगे, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो, और इसका ऊपर करो तो वाटर इमेज आपको बना देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये उल्टा होना था, मिरर इमेज वाटर इमेज बनना था, ये डायरेक्शन देखो इनकी, और इधर भी डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन भी एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए इस तरह सिचुएशन में। नेक्स्ट देखो, मिरर डायग्राम कंप्लीट करना है तो डायग्राम कंप्लीट करिए, ये आपका हो गया, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लाइन पर क्या है, एक बॉक्स है और बॉक्स के साथ ही ये लाइन है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, तो ये बॉक्स, एक मिनट भाई, बॉक्स है लेकिन बॉक्स के साथ ये वाली लाइन नहीं है, और बॉक्स भी उल्टा है, सर्कल है ये बॉक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर सर्कल है दे रखा, गलत हो गया, छोटी सी ईंट पकड़ा करो बस निकालने के लिए, बाकी ये आपका, ये कैसा डिजाइन बना दिया भाई का, अच्छा, इस ऐसा डिजाइन बनेगा इसका उल्टा, मतलब अगर आप इसको ले जाओगे तो ये वाला डिजाइन बनेगा, ठीक है भाई, ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, मैंने देखा नहीं ध्यान से, बोला कि सिक्स बच्चे हैं जो सर्कुलर टेबल में सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो बैठाइए इनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लो भाई सेंटर की तरफ फेस हमने कर दिया इनका, रेड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ व्हाइट, तो यहां से लेफ्ट, सॉरी राइट हो जाएगा, यहां से नीचे वाले का लेफ्ट, ऊपर वाले का राइट इधर, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर, रेड जो है फोर्थ है राइट ऑफ व्हाइट के, तो व्हाइट के फोर्थ राइट में रेड है, तो व्हाइट यहाँ पर है, इसके फोर्थ राइट वन टू थ्री फोर, फोर कौन सा रेड आ जाएगा, ठीक है, ब्लू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रे, ठीक है भाई, ब्लू जो है ना सेकंड राइट ऑफ ग्रे है, तो ग्रे को इधर ले लेते हैं और इसका राइट सेकंड राइट में ब्लू हो गया, ब्लू, ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक, ब्लैक पिंक के राइट में है, पिंक के थर्ड राइट में कौन है, ब्लैक है, ब्लैक को बी के लिख रहा हूँ, ब्लू को बी ए लिख रहा हूँ, याद रखना, व्हाइट इज इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक का क्या है, नेबर है, अब देखो तो अगर यहां पर मैं बैठा हूं तो यहां पर व्हाइट आएगा और यहां पर ग्रे आएगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप ब्लैक को यहां पर बैठाओगे, सॉरी ब्लू को, एक सिचुएशन और है, नहीं, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी परफेक्ट है, तो व्हाइट यहां पर है
बीच में व्हाइट है, इसके इधर ग्रे है, इसके इधर ब्लैक है, राइट? ओके, और ग्रे से राइट साइड में जाओ तो यहां पर एक छोड़कर ब्लू है, और इसके ब्लैक को एक छोड़कर 1 2 3 P यहां पर है, होगी सिटिंग फुल। तो बोला कि नेबर ऑफ रेड एंड पिंक, रेड एंड पिंक कौन है? ब्लू। ब्लू आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, एक दो हिंट हमें चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखते हैं क्या, बी 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 ओके, वो बी का रिलेशन तो हम आगे जान नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखोगे ये हार्ट का साइन, हार्ट का साइन क्या कर रहा है, इधर आया फिर इधर आया, फिर सेंटर फिर राइट, तो मतलब ये आ इधर ही घूम रहा, तो इस इधर बीच में आएगा हार्ट का साइन, हार्ट का साइन बीच में आएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन हार्ट का साइन बीच में है, वो अपना राइट हो जाएगा, बाकी गलत। यहाँ पर नहीं है तो गलत हो गया, यहाँ पर नहीं है तो गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन में है ये ठीक हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन में वैसे ही राइट दिखा रखा है, ठीक है। अब लिंक करते हैं बी को दोबारा से, तो हार्ट इधर उधर घूमा, तो यहाँ पर हम इस उल्टे एल को लेते हैं, तो एल ऊपर नीचे बीच में आया, क्योंकि जैसे बी यहाँ पर आया, बी अगर बी के साथ एल को उल्टे एल को रिलेट करोगे तो नीचे आए बीच में। अब अगली फिगर में एल नीचे गया तो यहाँ पर बी आना चाहिए, ठीक है, नीचे आएगा, ठीक है। बी तो फर्स्ट सेकंड तो वैसे कट गए, यहाँ पर बी नहीं है, यह गलत हो गया, ओके, और यहाँ पर बी है, बिल्कुल राइट। बाकी पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। ये फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया आपका, ए को देखिए, ए को आप देखोगे, ए ऊपर लाइन में टर्न कर रहा, तो अब देखो पहले लेफ्ट में था, फिर सेंटर में आया, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर सेंटर में, ए सेंटर में आएगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन वैसे भी राइट दिखा रखा है, थर्ड ऑप्शन में ए नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में ए सेंटर में है, तो अब हमें और चेक करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन है, तो कौन सी चीज अलग है, वो उस पर डिपेंड करूंगा, यू और नाइन, यू यू अलग है, फोर की जगह यू, ठीक है, यहाँ पर फोर आना चाहिए या फिर यू आना चाहिए, देखो देखते हैं भाई, यू यू और फिर नीचे फिर सेंटर में, कोई लिंक कोई इससे कोई रिलेशन नहीं बना अपना, एस सेंटर में है फिर नीचे, ओके, एस सेंटर में है फिर नीचे, ओके, सेंटर से नीचे फिर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर फिर सेंटर, ओके। अच्छा यू का रिलेशन इज इक्वल टू से तो बना सकते हैं ना, इक्वल टू से बनाते हैं, तो यू क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यू नहीं आएगा भाई, यू नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू कुछ ऐसे गया तो आगे इक्वल टू का साइन खत्म हो गया, तो सेम काम आप ऐसे जाओगे तो इसका भी साइन खत्म हो जाएगा, यू आएगा ही नहीं, फिगर में यू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, ये आपका राइट हो गया, ठीक है, लो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एग्जिट, एग्जिट का मकाम है लीव, लीव मतलब निकालना, तो एक मतलब ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम से, तो आपने सिनोनियम ढूंढने हैं, तो सेलेक्ट चूज, बिल्कुल ठीक है, ये आपका स्टार्ट एंड, ये एंटोनियम है, मोट मोट ये भी एंटोनियम है, फेट फिट फिट ये भी एंटोनियम है, ठीक है, बाकी इनका मतलब आप खुद निकालिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अपोजिट ऑफ 21, 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, ठीक है, और 23 26 है, मतलब ही ये रहा 23 26, इससे कोई मतलब नहीं, तो एक दूसरे का फेज क्या हो जाएगा, आपस में अपोजिट हो जाएगा, तो 24 इसका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम कंप्लीट करना है, ये डायग्राम के क्वेश्चन आपकी बार बहुत आए हैं भाई, तो इससे आप अच्छे से चलना, तो आप ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला सर्कल बना रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, ओके, अरे पूरा ले भाई, राइट, और दोनों तरफ सर्कल, तो ये आपका डायग्राम बना देगा इसे, तो यहाँ पर क्यों ये गलत क्यों, ये सर्कल नहीं दिखा रहा,
ये सेकंड वाला वैसे भी राइट है, थर्ड वाला पूरा ब्लैक है, ठीक है, नहीं आना चाहिए पूरा ब्लैक। फोर्थ में लाइन नहीं है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि 4:42:05, ओके, 4:42:05, 3:45:07। तो भाई 4:42 कैसे बनेगा, 25, 4×5 20, 8×5 20, 8×5 40 + 2, 6×7 42 + 3, नहीं बनेगा भाई। 10×40 + 2 14×3 42, नहीं बन रहा फिर भी, ठीक है। तो यहां से मैं एक और टर्म यूज करता हूं, तो 4 में अगर 2 ऐड कर दूं, इसमें 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 6, इसमें 2 ऐड कर दो 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 42 बना रही, ठीक है। इसमें +2 ऐड कर दो 5, इसमें +2 ऐड कर दो 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई 42 बना रही, ठीक है। तो लॉजिक क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में 2 को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो थर्ड में 2 को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करना, सॉरी, इज इक्वल टू अपना कौन सा आ जाएगा, सेंटर वाला आ जाएगा सेकंड। ये लॉजिक लगा के देखो इस ऑप्शन में, तो यहां पर बोला कि 6 + 2 मल्टीप्लाई विद 2 + 2, देखते हैं 6 और 2 8×4 32, बिल्कुल ठीक है भाई, लॉजिक अपना बिल्कुल परफेक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज है तो आप देखिए कौन सा हो सकता है। ये तीन ट्रायंगल कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, इस तरफ एरो करके, तो ऊपर होगी, नहीं गलत हो गया, सेंटर, ये सेकंड वाला वैसे राइट है, थर्ड वाला में कोई ट्रायंगल ही नहीं दे रखा है, तो फिगर वैसे ही गलत दिख रही है। और इसका फोर्थ ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ये नीचे है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अपोजिट फेस ऑफ टू आपको बताना है, 2 कहाँ है, 2 है ही नहीं, जब 2 है नहीं तो अपोजिट, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो ये जो ऊपर वाले सेम है ना, ये आपका 2 का अपोजिट है, ठीक है। 4 जो तीनों फिगर में सेम होता है ना, वो 2 का अपोजिट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि 4 4 के साथ देख लीजिए कौन कौन है, 1 है 3 है 6 है और 5 है, कौन नहीं है, 2 नहीं है, 2 का अपोजिट इसने पूछा है, 4 आ जाएगा, ठीक है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। बोला कि 400 से 200 बनाया, 256 से 128, इससे क्या बनेगा, तो आप देखो सीधा सीधा डिवाइड बाय 2 हो रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 2 हो रहा, तो 124 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट देख, तो देखो, तो ये क्वेश्चन है इंटरचेंज करना, तो इंटरचेंज करने से पहले आप इसको ट्राई करोगे, फिर सभी ऑप्शन ट्राई करोगे, ठीक है। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, तो मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ पर डिवाइड आना चाहिए, ठीक है, अगर इसको अच्छे से सॉल्व करना है डिवाइड आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं इन दो ऑप्शन को चूज करूंगा, तो यहाँ पर ये चीज है, ओके। तो बस स्टार्ट करिए, 29 यहाँ पर डिवाइड आ गया, तो ये आपका 2 हो गया, 2×2 4 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, BAE 512 बनाया है, VIN ये बनाया है, कुछ आई थिंक मल्टीप्लाई में जा रहा है, कुछ ना कुछ, नहीं मल्टीप्लाई में क्यों, देख गया आंसर क्या आएगा, 215, उल्टा कर दो उल्टा कर दो उल्टा कर दो, 512 हो गया, ये आपका 23, ये आपका 9, ये आपका 14, उल्टा कर दो 14 9 23, ठीक है, इनको उल्टा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 8 5 18, उल्टा कर दो, 18 पहले गया फिर भी सेंटर में 5 फिर 8, ये आपका, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था कि कैलकुलेशन से हो जाए शायद। ये देखो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना, सारे साइन पुट करके देखना, ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को पुट करिए, तो पहले डिवाइड कर लगा, यहाँ पर डिवाइड लास्ट में है, यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा कंप्लीट, ये फिर लास्ट में, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होगा अपना, तो अब देखिए डिवाइड लास्ट में है, और बाकी ट्राई करिए, 54 - 16 × 3, थर्ड ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं मैं, +6/2 = 9 आना चाहिए, तो ये आपका 3 हो गया, 16 * 3 = 48, 54 - 48 करोगे तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 आपका आंसर,
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिगर कंप्लीट करना है, तो पहले तो इसको पूरा अच्छे से ट्रायंगल में कन्वर्ट करिए इसको, और फिर आपका एक ये साइड आ गई, और यहां से ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा कंप्लीट, और इस सर्कल को पूरा करिए। एक, और ये लाइन बन जाएगी शायद, तो कुछ इस तरह से आपकी फिगर दिखाई दे जाएगी। ओके, तो फर्स्ट वाली नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट वाली करो पूरा नहीं बना रही, ठीक है, ये नहीं होगा, राइट। और ओके, और दूसरी चीज या क्या है, बाहर सर्कल है, ये भी नहीं होगा। सेकंड वाली में ये कर्व नहीं बना रही, यहाँ से जो लाइन आ रही थी वो कर्व बनाती थी, ठीक है, वो नहीं बना रही। थर्ड वाली लाइन में हम अपना फिगर एक कर्व बना रही, लेकिन इसके बीच में एक फिगर थी, वो पूरा कर्व नहीं बना रही। फोर्थ वाली लाइन कर्व बना रही है, और साथ में ये आई थिंक, देखते हैं फिर दोबारा फिगर को बना के। ओके, फिगर को अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये टर्न कर सकता है, ये पूरी लाइन, सॉरी ये पूरी लाइन, ओके, और ये टर्न, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी, तो फोर्थ वाले में राइट हो जाए, क्योंकि फोर्थ वाले में मुझे कितनी लाइन दिखाई दे रही, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब आप चेक करिए, क्यों ऐसा मैंने क्यों बताया, आप यहां से देखो 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ये चार लाइन पर नोटिस करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।